अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम चीज़ी चिकन वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे। ये बच्चों से लेकर के बड़ों तक का सभी का फेवरेट डिश है। ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होती है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हम यहाँ 2 लीटर पानी लेंगे, उसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब इसमें उबाल आ जाए तो 1 चम्मच नमक ऐड करना है और 1 चम्मच तेल। तेल इसलिए यहाँ पे ऐड किया जाता है ताकि ये पास्ता आपस में चिपके ना और खुले खुले बनकर तैयार हो। अब यहाँ पे मैंने 300 ग्राम के आसपास पास्ता ऐड किया है और इसे ढक कर के पका लेंगे। इसे 80% तक ही पकाना है, बाकी का वाइट सॉस के साथ ये बनेगा, तैयार होगा। इस तरह से आप निकाल कर के आप चेक कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी कसर रहना चाहिए ताकि वो बाकी का सॉस के साथ गल जाएगा। अब इसे हम एक छन्नी में निकाल लेंगे, सारे पास्ता को छान लेंगे और ऊपर से नॉर्मल पानी से इसे धो लेंगे ताकि ये इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और ये आपस में खुले खुले रहें, आपस में चिपके ना। इस तरह से सभी पास्ता को हम निकाल लेंगे और इसे अब एक साइड पर रखते हैं। यहाँ पे अब हम चिकन तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने लिया है 25 ग्राम बटर। इसे मेल्ट होने देंगे, फिर इसमें हम 300 ग्राम के आसपास ये चिकन है जो कि मैंने छोटे पीसेस में कट करके लिया है। आप अपने हिसाब से अपने चिकन के साइज़ को रख सकते हैं। अब इसमें हमने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्च ऐड करके इसे चला लिया है और एक गोल्डन सा कलर आने तक के इसे ढक करके हमने इसे पकाया है। इसमें आप अपने मनपसंद का कोई भी वेजीज डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न या कोई भी वेजीज आपका मनपसंद का, बच्चों को जो पसंद है वो डालकर इसी वक्त आप फ्राई कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ चिकन में ही बनाया है। अब यहाँ पे हमने वाइट सॉस तैयार करना है, जिसके लिए पैन में हम 25 ग्राम बटर ऐड करेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। जब ये मेल्ट हो जाए तो 2 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक डाल करके इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कप मैदा डालकर इसे भून लेना है। एक सौंधी सी खुशबू आने तक का आप इसे भून लीजिए। इस वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है ताकि ये अच्छे से भुन जाए, जले ना। फिर इसमें धीरे धीरे दूध ऐड करके इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसमें यहाँ पे मैंने 2 गिलास दूध का इस्तेमाल किया है। दूध को हम थोड़ा थोड़ा ही डालते हुए इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गांठे ना पड़े, कोई लम्स ना पड़े। और यहाँ पर आँच को, फ्लेम को आप एकदम लो रखिए और ये धीरे धीरे यहाँ पे दूध ऐड करते हुए आप मिक्स करते जाइए। अगर इसमें लम्स पड़ गए हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप ये चम्मच के स्पैचुला की मदद से आप इसे ठीक कर सकते हैं। जब ये अच्छे से पक जाए तो अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 चीज़ क्यूब डाला है श्रेड करके। ये मैंने यहाँ पर अमूल चीज़ डाला है, इसे श्रेड कर लीजिए और इसमें डालकर इसे मेल्ट होने के लिए चलाते हुए अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 2 चम्मच मिक्स हर्ब है। इसे सब डाल करके इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच ही नमक डाला है क्योंकि बटर और चीज़ में भी नमक रहता है। अब यहाँ पे हम चिकन ऐड करेंगे और साथ ही बॉईल किया हुआ पास्ता ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करते हुए बस 2 मिनट के लिए हम सॉस के साथ पका लेंगे। इस तरह से अगर आपको यहाँ पे सॉस अगर गाढ़ा दिख रहा है तो आप पानी ऐड करके इसे पका लीजिएगा। रेस्टोरेंट से भी अच्छा चिकन चीज़ी वाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी और मज़ेदार रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।